कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई स्टूडेंट हुआ, आपको सबसे पहले वो देखता है कि आपका अपीयरेंस क्या है। आप वो ये नहीं देख पाएगा कि आप अंदर से कैसे हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छे आपके विचार हैं, ये सब चीज़ें बाद पता चलेगी। सबसे पहले क्या पता चलेगी कि आप हाउ यू अपीयर, कैसे आप दिखते हैं, कैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, कैसे हेयर स्टाइल है आपकी है, आपने कोई बात प्रॉमिस की और बाद में उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, इट मीन्स ये कि आपने आपने किसी को भी कोई भी वादा किया और आपने पूरा नहीं किया, वो बहुत बड़ा वादा होना जरूरी नहीं, छोटा वादा भी चलता है, तो छोटा मोटा वादा भी आप पूरा करें करें, यदि आप कर रहे हैं तब तो आपकी रिलायबिलिटी बनती जाएगी। रिलायबिलिटी एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति बाहर से एक्सटर्नली आपको देख रहा है, अब जो है अंदर वाली बातें बाहर आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज हम लोग बातचीत करेंगे, दो चार तीन चार पाँच छः सात भी हो सकती है, लेकिन पहले हम चार लोग चार बात करेंगे, इम्पोर्टेंट बात रहेगी, जो कि बींग ए टीचर या बींग आप किसी भी प्रोफेशन में है तो चीज़ें आपको मायने रखती है, और वो चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं या आप लोगों ने भी कई सालों से ऑब्जर्व किया ही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज ABCD के बारे में, ABCD ऑफ टीचिंग, ABCD ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। आप कोई भी फील्ड की आप बात करेंगे तो आप लोग बात करते हैं ना, मतलब आमतौर पर कि यार उसकी तो ABCD स्टार्ट करना पड़ेगी, या आप कोई नई फील्ड में जा रहे हैं, मतलब उसकी तो ABCD अभी आपको करना पड़ेगी। तो हर प्रोफेशन की अपने कुछ ABCD है। आप में से जो लोग भी ऐसे हैं जिनको भी ज़्यादा टीचिंग फील्ड में आए, 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, उन्हें मानना चाहिए कि अभी वो ABCD उनकी पूरी नहीं हुई है, और उन्हें कम से कम वो इस ABCD को अभी और स्टडी करके बेहतर बनाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि 3 साल में एक व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे का भी ऐसा ही होगा, वो बहुत डिफर हो सकता है। बस शर्ते वो डिपेंड करेगा कि वो उसकी अपनी खुद की कितनी स्टडीज़ है, वो खुद कितना अपने आप के नॉलेज बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है कि ABCD की यदि हम बात करें तो ए है ए फॉर अपीयरेंस। सबसे पहली चीज़ है हाउ यू लुक। कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई स्टूडेंट हुआ, आपको सबसे पहले वो देखता है कि आपका अपीयरेंस क्या है। आप वो ये नहीं देख पाएगा कि आप अंदर से कैसे हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छे आपके विचार हैं, ये सब चीज़ें बाद पता चलेगी। सबसे पहले क्या पता चलेगी कि आप हाउ यू अपीयर, कैसे आप दिखते हैं, कैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, कैसे हेयर स्टाइल आपकी है, आप जो है किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अपीयरेंस है वो बेहतर होना चाहिए, एक डिसेंट अपीयरेंस होना चाहिए। और इस बारे में ज़्यादा बातचीत करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सभी लोग समझते हैं कि डिसेंट अपीयरेंस क्या होना चाहिए। बींग ए टीचर हम लोगों का अपीयरेंस जो है सिंपल सोबर होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा तड़कीला भड़कीला हमें होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई ज़्यादा अपने आप को गरीब दिखाने की और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा अमीर दिखाने की ज़रूरत है। वैसे भी ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने से कोई अमीर ऐसा साबित नहीं होता कि वो अमीर हो गया है। तो हमारे कपड़े जो है वो डिसेंट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्क ही बैलेंस्ड है। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं, तो एक डिसेंट अपीयरेंस होना चाहिए, जैसे आप ये मैडम देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं, बी फॉर बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स व्हाट? बिहेवियर मीन्स हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद द पीपल्स। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, आपका लोगों के प्रति रवैया कैसा है, आप लोगों के प्रति कमिटेड हैं या नहीं है, या आप लोगों के प्रति ऑनेस्टी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपने कोई बात प्रॉमिस की और बाद में उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, इट मीन्स ये कि आपने किसी को भी कोई भी वादा किया और आपने पूरा नहीं किया, वो बहुत बड़ा वादा होना जरूरी नहीं, छोटा वादा भी चलता है, तो छोटा मोटा वादा भी आप पूरा करें करें, यदि आप कर रहे हैं तब तो आपकी रिलायबिलिटी बनती जाएगी। रिलायबिलिटी एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है,
ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति बाहर से एक्सटर्नली आपको देख रहा है, अब जो है अंदर वाली बातें बाहर आ रही है कि आप काइंडनेस है कि नहीं, आप में दयालु हैं या नहीं, आप जो है बच्चों के साथ कहें कि थोड़ा सा प्यार वाला जो है, या कहें कि आप थोड़ा प्यार वाला एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हमेशा एक वो होता है कि पुराने टाइप का मार साहब पड़क, हमेशा वो हिटलरवादी सोच का व्यक्ति होता है। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि चार टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है, और चार टाइप की लीडरशिप स्टाइल में पहली स्टाइल होती है कौन सी, ऑटोक्रेटिक। कौन सी स्टाइल? ऑटोक्रेटिक। दूसरी स्टाइल होती है कौन सी स्टाइल होती है? अथॉरिटेटिव। ऑटोक्रेटिक इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है कि कोई पनिशमेंट देकर के ही काम किया जा सकता है, और अथॉरिटेटिव इट मीन्स वो व्यक्ति जो ये मानता है कि मैं अपने पद पावर का जोर दिखा करके काम करवा सकता हूँ। क्योंकि मैं बॉस हूँ इसलिए आपको ये काम करना है, क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए आपको मैंने होमवर्क दिया आपको करना है। ये एक दो तरीके हो गए जो बहुत पुराने हैं। नया तरीका क्या बोलता है? नया तरीका ये बोलता है कि आपको क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटिव लीडर होना चाहिए। आप एक लीडर है, कम्युनिकेटिव लीडर होना चाहिए। इट मीन्स ये कि आप अपने बातचीत के प्रभाव से, अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रभाव से आप बच्चों से काम ले पा रहे हैं, आप बच्चों से जो होमवर्क दे रहे हैं वो करवा पा रहे हैं, जो आप उनको जो चीज़ आप उनको काम जो भी चीज़ें सीखने के लिए दे रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। किसके प्रभाव पर? कम्युनिकेशन प्रभाव पर। अब इससे भी एक और एडवांस जो है जो लीडर है वो है पार्टिसिपेटिव। कौन है? पार्टिसिपेटिव। इट मीन्स ये कि वो ऐसा लीडर है जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में, जो अपने स्टूडेंट के साथ में, जो अपने फॉलोवर्स है उनके साथ में मिलकर के काम करता है, उन्हें डायरेक्शन भी देता है और डायरेक्शन के साथ साथ वो भी उस काम को करता है। तो उससे क्या है कि अपनापन का माहौल बनता है। आज आप जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ देखेंगे उसमें आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आज ये आसपास में कोई फैक्ट्री होगी तो वहाँ एक सुपरवाइजर भी होगा तो वो अकड़ करके बात करता है। लेकिन यही यदि आप बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए फेसबुक की आप बात कर लें, तो हो सकता है कि ये मार्क जुकरबर्ग की यहाँ पर चेयर लगी हुई है और एक कोई ऑपरेटिंग लेवल पर काम करने वाला बंदा भी आकर के बोल सकता है कि सर ये गलत हो रहा है या ऐसा, ये नहीं, ये सही है, जो भी वो सजेशन दे सकता है, और वो फ्रूटफुल उसके सजेशन सुनेगा भी सही, क्योंकि वो सोच कौन सी रख रहे हैं? पार्टिसिपेटिव। सोच कौन सी रख रहे हैं? कम्युनिकेटिव रख रहे हैं, पार्टिसिपेटिव रख रहे हैं, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव नहीं है। तो आपको तय करना है कि आपको इस 21st सेंचुरी में आप किस टाइप के टीचर बनना चाहते हैं। आप ऑटोक्रेटिक टीचर बनना चाहते हैं या फिर अथॉरिटेटिव बनना चाहते हैं या फिर कम्युनिकेटिव और पार्टिसिपेटिव टीचर बनना चाहते हैं? क्या बनना है? सी फॉर कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। कंटेंट होगा तो ही प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको यदि नॉलेज होगा तभी तो आप डिलीवर कर पाएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तो कंटेंट की कमी आपके पास नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे कौन कौन से मेजर टॉपिक है जो पढ़ाना चाहिए, डिमांड है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें हैं मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ ये भी है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स ये हुआ कि आपका आई कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, आप देखे आना है बात वहाँ कर रहे हैं, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना जरूरी है। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं है, कभी कभार वन वे भी करना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं है। बच्चे को भी आप मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, वो इंटरेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये बात जरूरी है। डी के बारे में, डी फॉर डेडिकेशन। यूजुअली हम लोग बोलते हैं भाई डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन जो है क्या है? वो आउटकम है। आउटकम है। यदि आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, यदि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको आउटकम मिलेगा। आउटकम क्या मिलेगा? डिसिप्लिन क्लास मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बच्चे नॉलेजेबल होंगे, ये सब आउटकम है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग फिलहाल इनपुट्स की बात कर रहे हैं कि आप कौन कौन से इनपुट्स लगा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।